श्रीलंका वर्सेस नीदरलैंड के बीच दोस्तों महामुकाबला जो वार्म-अप मैच जो है आईसीसी क्रिकेट जो है इस आईसीसी का जो है वार्म-अप मैच जो है क्वालिफायर फोर दोस्तों आज 12:30 PM को खेला जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही मजा आने वाला है। क्वींस स्पोर्ट क्लब में यह मैच खेला जाएगा दोस्तों। क्वींस स्पोर्ट क्लब की पिच की बात करते हैं तो ये पिच बल्लेबाजी की ज्यादा अनुकूल मानी जा रही है। अर्थात जो कोई भी टॉस जीतेगा दोस्तों वो बल्लेबाजी करने के लिए सोचेगा दोस्तों। यहां पर ओडीआई मैच का औसत स्कोर दोस्तों, ओडीआई मैच का औसत स्कोर यहां पर दोस्तों 250 रन है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है, यहां पर बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल होता है, अर्थात स्पिनर को फायदा मिलने लगता है दोस्तों। इस प्रकार की यह पिच है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब पिच है और गजब पिच है। आज बहुत ही अच्छा जो है यहां पर जो है श्रीलंका का जो है पल्ला थोड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। श्रीलंका का पल्ला थोड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है नीदरलैंड के सामने। श्रीलंका का पल्ला भारी है दोस्तों। उछाल गत क्विंस स्पोर्ट क्लब की पिच आमतौर पर अच्छी उछाल और गत प्रदान करती है जो बल्लेबाजों के लिए स्ट्रोक प्ले का पक्ष ले सकती है। गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आती है जिससे बल्लेबाजों को आत्मविश्वास के साथ अपने शॉट खेलने का मौका मिलता है। हालांकि उछाल में गेंदबाजों को भी फायदा मिलता है दोस्तों, लाजवाब स्विंग कराने में फायदा मिलता है दोस्तों। लाजवाब पिच होने वाली है और आज दोस्तों वो वार्म अप का कोर मैच है दोस्तों। गजब है, वार्म अप चालू हो गए हैं दोस्तों। वहीं पर दोस्तों जो है आपको दोस्तों एक और वीडियो मिलने वाला है दोस्तों। वो कौन होगा दोस्तों, आपने सुना होगा तमिलनाडु सीरीज भी दोस्तों चालू हो चुकी है। तमिलनाडु दोस्तों जो सीरीज है T20 की वो भी चालू हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों आपको वीडियो मिलने वाला बहुत ही गजब वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। आज बहुत ही मजा आने वाली है दोस्तों। तो हम लोग बनाएंगे ड्रीम टीम दोस्तों, एक ड्रीम टीम होगी। उसके बाद दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बताएंगे दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन किस प्रकार से बनाना है। क्योंकि दोस्तों हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रास्ता जो है रास्ता रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है दोस्तों, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। तो बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो दोस्तों। तो आज दोस्तों उखाड़ देना है दोस्तों जो आपने सपना दोस्तों आईपीएल में लिया था 2 करोड़ जीतने का। तो दोस्तों आज भी मौका है दोस्तों 2 लाख रुपए जीतने का। तो आओ हम लोग मिलकर एक बनाते हैं बेस्ट इलेवन टीम और बनाते हैं एक अच्छा कप्तान और उपकप्तान और उखाड़ देते हैं दोस्तों आज दोस्तों जो सपने हैं उन्हें साकार करना है, सपने साकार करना है। मजा आने वाला है दोस्तों। सपने को साकार करने में आप पीछे मत करो, पीछे मत होइए। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है दोस्तों, उसी के आगे सिर झुकाती है। तो आप लोग कहिएगा और मजा आने वाला है दोस्तों, मजा आ जाएगा आज। आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। आज दोस्तों बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना। आज दोस्तों मजा आने वाला है। तो दोस्तों हम बता दें श्रीलंका की तरफ से जो टीम होने वाली है, कुशल मेंडिस, प्रथम निशंका, हेमंत करुणानत्ते, चमीरा श्रीलंका, दुशांत सनाका, सिल्वा दोस्तों, सी करुणानत्ते, वालिंद अतरंगा, लाहौर कुमारा दोस्तों, एम पथिराना, डी चमीरा। इस प्रकार से दोस्तों श्रीलंका की टीम होने वाले है। क्योंकि सफल होने के लिए जुनून की बहुत जरूरत होती है दोस्तों, सफल होने के लिए जुनून की जरूरत होती है। हारता वही है जो कुछ करता नहीं है दोस्तों, जो कुछ करता नहीं है, नहीं हारने का सवाल ही नहीं दोस्तों। एस नीदरलैंड की तरफ से एक एडवाइस है, एमओ डाइड है, टी निदा मानरू है, डब्ल्यू वरेसी है, वी सिंह है, वीरे लीडे है, एस अहमद है, एस जुल्फिकार है, एलवान वीक है, वी किंगमा है, सी फ्लोर है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों नीदरलैंड और श्रीलंका की टीम के बारे में हम आपको बताया।
लाजवाब टीम है दोस्तों, लाजवाब टीम होने वाली है, बहुत ही गजब टीम है ये। सफल होने के लिए सबसे अच्छा नहीं बल्कि अपने आप से सच्चा होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आज दोस्तों उखाड़ कर फेंकते हैं, जिस काम पे दिल लगे वही करो, लेकिन ईमानदारी के साथ करो दोस्तों। अपने आप पर काम करना शुरू करो, बाकी सब कुछ खुद हो जाएगा दोस्तों। काम करना आप लोग शुरू करिएगा, खुद ही खुद हो जाएगा दोस्तों। कुछ लोग दोस्तों टीम बनाने में दिक्कत करते हैं, पैसा चलेगा जाएगा दोस्तों। अगर पैसा आप लगाएंगे ही नहीं दोस्तों, जीवन में रिस्क लेंगे ही नहीं तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आप लोग रिस्क लेना सीखिएगा दोस्तों, रिस्क लेना सीखिएगा और दोस्तों टीम बनाना सीखिएगा। टीम बनवाता है ड्रीम क्रिकेट स्पोर्ट दोस्तों, यूट्यूब पर मात्र चैनल दोस्तों जो लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड करता है दोस्तों। बड़े बड़े चैनलों को हमने देखा, आईपीएल खत्म हुआ, चैनल ड्राम हुए दोस्तों, वीडियो डालना बंद हो गया, परंतु हमारा एक चैनल दोस्तों लगातार दोस्तों आपको सिखाता है, पढ़ाता है दोस्तों, और उसके बाद एक बेस्ट यूनिट टीम और कप्तान बनाकर देता है दोस्तों। बहुत बड़े बड़े आपने लोगों ने भी देखा होगा, जो बड़े बड़े महारत चैनल है दोस्तों, केवल आईपीएल में आए, आपसे आपको से सब्सक्राइबर और व्यूइंग के चक्कर में बढ़ाकर चले गए, सिखाते नहीं डायरेक्ट आते हैं और दोस्तों फरी फरी लेकर चले जाते हैं। इस प्रकार नहीं, हम दोस्तों लगातार आपको सिखाने का वादा लिया है, तो आप लोगों को लगातार दोस्तों सालों साल वीडियो प्रोवाइड होंगी और लगातार हम आपको सिखाने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको पूरी तरह से बताने वाला है, क्योंकि सफल होने के लिए सबसे अच्छा नहीं बल्कि अपने आप से सच्चा होना जरूरी है। जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है उनका मुकाबला अपने आप के साथ होता है दोस्तों। तो आप लोग बने रहिएगा। तो दोस्तों हम आप बनाने जा रहे हैं ड्रीम टीम, बहुत ही गजब टीम बनाने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिएगा हम अपने ड्रीम टीम पर किसको लेने जा रहे हैं। तो श्रीलंका के महान बैट्समैन, जो विकेट कीपर बल्लेबाज कुशल मेंडेस, विकेट कीपर बल्लेबाज कुशल मेंडेस को कौन छोड़ जाता है, जो लंबे लंबे शॉट्सों के लिए जाने जाते हैं, लाजवाब बैटिंग करते हैं दोस्तों, बहुत ही लाजवाब बैटिंग करते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ आपने देखा होगा कुशल मेंडेस का जलवा दोस्तों, लाजवाब बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं कुशल मेंडेस दोस्तों। तो हम लेते हैं सबसे पहले कुशल मेंडेस को दोस्तों, कुशल मेंडेस को लेते हैं, कुशल मेंडेस को दोस्तों। कुशल मेंडेस बहुत ही गजब बैट्समैन है, कुशल मेंडेस विकेट कीपिंग में पलक झपकते ही दोस्तों तमाम कर देते हैं। कुशल मेंडेस लाजवाब बैट्समैन है। उसके बाद लेते हैं प्रथम निशंका को लेते हैं दोस्तों, लाजवाब बैट्समैन ये भी है, प्रथम निशंका है दोस्तों। अगर इनके ग्रिप में बॉल आने लगी दोस्तों, लंबे लंबे छक्के और चौकों के लिए जाने जाते हैं दोस्तों प्रथम निशंका। उसके बाद दोस्तों अफगानिस्तान में अपने चमीरा, श्रीलंका का जलवा देखा ही होगा दोस्तों, लाजवाब पारी खेली थी चमीरा श्रीलंका ने। और इसके बाद करते हैं, सबसे पहले लेते हैं दिमुथ करुणारत्ने को, कोई नहीं कौन नहीं जानता दोस्तों, दिमुथ करुणारत्ने बहुत ही लाजवाब, श्रीलंका के बहुत ही जानदार खिलाड़ी दोस्तों, दिमुथ करुणारत्ने। उसके बाद दोस्तों चमीरा श्रीलंका दोस्तों, लाजवाब बैटिंग की थी अफगानिस्तान के खिलाफ पहले मैच में चमीरा श्रीलंका ने दोस्तों, चमीरा श्रीलंका ने लाजवाब बैटिंग की थी, भले ही दोस्तों अपने टीम को जीत नहीं दिलाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ जो 3 ODI मैच हुआ था दोस्तों, उसने बहुत ही लाजवाब बैटिंग की थी चमीरा श्रीलंका ने। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, बहुत ही गजब जो है बैट्समैन जो है दशवन सनाका जो है, डिसिल्वा है, सी करुणा रत्ने को लेते हैं करुणा रत्ने को लेते हैं, बहुत ही लाजवाब टिक करके बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं सी करुणा रत्ने दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं नीदरलैंड की तरफ से, बहुत महान बल्लेबाज एस एडवाइस की तरफ चलते हैं, एस जो है एडवाइस, लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं दोस्तों एस एडवाइस दोस्तों इनके गिफ्ट में अगर गेंद आए तो दोस्तों ये हवाई रास्ते तय कराने में बहुत ही ज्यादा माहिर है दोस्तों, हवाई रास्ता इन्हें तय कराने में बहुत ज्यादा माहिर है एस एडवाइस दोस्तों, लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं एस एडवाइस दोस्तों। इसके बाद चलते हैं एमओ डाइट की तरफ से, एमओ डाइट इनका दोस्तों तो कोई जोड़ ही नहीं है, एमओ डाइट दोस्तों बहुत ही ज्यादा तूफानी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। ये जब तक क्रीज पर रहते हैं
तो स्कोर दोस्तों तूफान की तरह भागता है, स्कोर तूफान की तरह जब भागता है दोस्तों। एमो डायडला जो आप बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं, नीदरलैंड की तरफ से ये दो बैट्समैन बहुत ही गजब बैट्समैन है, जिनके बारे में कह पाना दोस्तों कुछ मुश्किलों से भरा नहीं होगा दोस्तों। ये दोस्तों बैट्समैन टिक गए तो बड़े बड़े टीमों की धज्जियां बिगाड़ देने पर और बॉलरों की धज्जियां बिगाड़ देने पर माहिर है। अब चलते हैं दोस्तों, चलते हैं हम लेते हैं बॉलर, तो बॉलर में लेते हैं वानिंदु हसरंगा को दोस्तों। वानिंदु हसरंगा को लेते हैं जो लाजवाब बॉलिंग करते हैं दोस्तों वानी हसरंगा। और दोस्तों ये ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं और मौका मिलता है दोस्तों तो लंबे लंबे शॉट भी मारते हैं वानिंदु हसरंगा दोस्तों, बहुत ही लंबे लंबे शॉट के लिए जाने जाते हैं। आप चलते हैं दोस्तों एम पथिराना। एम पथिराना को आपने आईपीएल में भी देखा होगा जलवा दिखाते हुए, एम पथिराना दोस्तों लाजवाब बॉलिंग करते हैं। एम पथिराना दोस्तों गजब बॉलिंग करने के लिए जाने जाते हैं। एम पथिराना दोस्तों आप लोगों ने आईपीएल में इनका चमत्कार देखा होगा, बहुत ही गजब बॉलिंग करने के लिए जाने जाते हैं एम पथिराना। आप चलते हैं जो तो यहाँ पर एल वन वीक, बहुत ही लाजवाब बॉलर एल वन वीक है, नीदरलैंड के लाजवाब बॉलर है एल वन वीक। अच्छे अच्छे दोस्तों बल्लेबाजों को पानी पिला देने वाले जो है गेंदबाज है एल वन वीक जो है। और इसके बाद चलते हैं श्री फ्लॉयड, आप लोगों ने नाम से ही जाना होगा सी फ्लॉयड, क्या है सी फ्लॉयड है दोस्तों, गजब की दोस्तों बॉलिंग करते हैं सी फ्लॉयड, गजब की बॉलिंग करने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारी ड्रीम टीम होने वाली है दोस्तों, हम टीम टीम बनाते हैं। कुशल मेंडिस है लाजवाब बैटिंग के लिए, विकेट कीपर बल्लेबाज है दोस्तों श्रीलंका की तरफ से प्रथम निशंका, लाजवाब बैटिंग करते हैं दोस्तों, ओपनर बल्लेबाज है दोस्तों दिमोद करना रत्न, वन डाउन सेकंड डाउन पर आने वाले बल्लेबाज है दोस्तों दिमोद करना रत्न चमीरा, श्रीलंका लाजवाब बैटिंग करते हैं सी करना रत्न है दोस्तों, ये भी बहुत ही गजब बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। एस एल वाइज का तो बात ही ना करो दोस्तों, नीदरलैंड के लाजवाब बल्लेबाज एस एल वाइज है दोस्तों। एमो डायड, एमो डायड को कौन भुला सकता है दोस्तों, एमो डायड बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं एमो डायड। वानिंद हसरंगा दोस्तों बहुत ही ऑलराउंडर प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं, वानिंद हसरंगा ऑलराउंडर प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं वानिंद हसरंगा दोस्तों, बहुत ही लाजवाब जो है वानिंद हसरंगा ऑलराउंडर प्रदर्शन करने के लिए जाते जाते हैं। एम पथिराना को कौन बुला सकता है, एम पथिराना बहुत ही गजब के दोस्तों, बहुत ही गजब के बॉलर है एम पथिराना। एल वन वीक को क्या कहना है दोस्तों, एल वन वीक के बॉलिंग पर अच्छे अच्छे बैट्समैन की धज्जियां बिगड़ जाती है दोस्तों। एल वन वीक की लाजवाब बॉलिंग से आगे सी फ्लॉयड को कौन नहीं जानता है दोस्तों, जो बहुत ही किफायती बॉलिंग करने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हमारी ये ड्रीम टीम बनकर दोस्तों तैयार हो गई। आप दोस्तों हम लोग बनाते हैं एक बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों, ड्रीम टीम हर कोई बना लेता है, सब कोई बना लेता है, पिच रिपोर्ट देखकर बनाता है, खिलाड़ी का पिछला रिकॉर्ड देखकर जानता है दोस्तों, कार्ड देख करके एक ड्रीम टीम बना लेता है दोस्तों। पसीना तो तक छोड़ जाता है जब बात आती है दोस्तों कहेगी, बात आती है दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने की, तो दोस्तों आओ चलते बनाते हैं एक बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों, लाजवाब बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम कैप्टन बनाने वाले हैं दोस्तों कुशल मेंडिस, कुशल मेंडिस या दोस्तों एस एडवाइस को दोस्तों कैप्टन बनाते हैं दोस्तों, एस एडवाइस को कैप्टन बनाते हैं। वही वाइस कैप्टन दोस्तों प्रथम निशंका या चमीरा असलंका को दोस्तों वाइस कैप्टन बनाते हैं, वाइस कैप्टन बनाते हैं। आप दोस्तों वाइस कैप्टन में वानिंद हसरंगा को भी ले सकते हैं, वाइस कैप्टन की भूमिका में वानिंद हसरंगा को भी आप ले सकते हैं, ये आपके पास हम विकल्प देते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा नीदरलैंड की टीम कमजोर होगी, वहां वानिंद हसरंगा अपना जलवा बिखेर सकते हैं दोस्तों,
लाजवाब बैटिंग करने के लिए जाने जाते हुआ बॉलिंग करने के लिए क्योंकि जाने जाते वानिंद हसरंगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। दोस्तों हमारी जो फाइनल टीम है आपको कहां मिलेगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी टॉस होने के 10 मिनट बाद। दोस्तों टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग जाइएगा टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा, मजा आने वाला है। लाजवाब जो टीम देने वाले हम फाइनल टीम, ये एनालिसिस की टीम होती है, फाइनल टीम हम आपको 10 मिनट बाद टॉस के 10 मिनट बाद जो है टेलीग्राम पर देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी अन इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों, टाटा बाय बाय दोस्तों।